हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए तीन मजेदार पहेलियां लेकर आए हैं। देखते हैं कि आप इन पहेलियों को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं, पर उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडे दोपहर का दिन था और उस टाइम घर के मालिक के बेटे का मर्डर हो जाता है और उस टाइम उनके घर पर उसका कुक, गार्डनर, मेड और लड़के का पापा रहता है। तभी कुछ समय के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी से कुछ सवाल पूछती है। कुक बताता है कि उस टाइम मैं तो ब्रेकफास्ट बना रहा था। गार्डनर बोलता है, मैं तो गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। मेड बोलती है, मैं तो घर की साफ सफाई कर रही थी। और उसके पिता बोलते हैं कि मैं तो दूसरे रूम में बुक पढ़ रहा था। पुलिस इन सभी के जवाब को बड़ी ध्यान से सुनती है और तुरंत खूनी को पकड़ लेती है। आखिर कैसे, पुलिस को कैसे पता लगा कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं मर्डर किसने किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और अधिक टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हिंट के लिए वीडियो को दोबारा देखिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। मर्डर कुक ने किया है क्योंकि वो बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट बना रहा था, जबकि दोपहर के टाइम ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? तो पुलिस कुक को अरेस्ट कर लेती है। तो चलिए दोस्तों दूसरी पहेली देखते हैं। दोस्तों आपको इस सवाल का सही जवाब बताना है, तो जल्दी से कमेंट में सही जवाब बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 900, क्योंकि जो संता है वो है 10 और जो ट्री है उसकी वैल्यू है 15 और जो हिरन है उसकी वैल्यू है 6। तो 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 900 आएगा। तो चलिए दोस्तों तीसरी पहेली देखते हैं। दोस्तों आपको इस पहेली का सही जवाब बताना है। जो इस पहेली का सही जवाब देगा उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।